5 4 3 2 1 0 प्लस 5 सेकंड। चंद्रयान 3 अपने 4 साल पुराने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए निकल चुका है। इसी के साथ 14 जुलाई की ये तारीख इतिहास बन गई है। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग का ये लम्हा हर भारतीय के लिए खास बन गया है। लॉन्चिंग का ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो रोमांचित हो उठा। चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही आसमान को चीरते और दहाड़ते हुए बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 ने अपने सभी स्टेज को सफलतापूर्वक क्रॉस कर लिया है। लॉन्चिंग के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ राधाकृष्णन और के सिवन भी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर मौजूद रहे। इसके साथ दुनिया भर के लोगों ने इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बधाई संदेश भेजना शुरू कर दिए हैं। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में महीने भर से ज्यादा का वक्त लगेगा। 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए है। ये मिशन करीब 42 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6-7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। भेजे गए रॉकेट का पहला चरण ठोस ईंधन द्वारा संचालित है, दूसरा चरण तरल ईंधन द्वारा, जबकि तीसरे और आखिरी चरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा संचालित इंजन है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित ताड़ना है। उसके बाद रोवर प्रयोग करने के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा ले जाए गए पेलोड का जीवन 3 से 6 माह के बीच होगा। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। इसरो वैज्ञानिकों द्वारा इस मिशन के सक्सेस होने का 100% दावा किया जा रहा है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है। इसरो की इस सफलता पर देश भर के कई नेताओं ने ट्वीट करके बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर ट्वीट कर लिखा है कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। ये भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। इसरो की सफलता पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।